नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मित्र सर्वेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद। जैसा कि मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, जबलपुर में एक गांव है जिसका नाम है बेला। बेला गांव में एक खेल मैदान है जिसमें एक वाइट पत्थर से सम्राट अशोक मौर्य महान की प्रतिमा स्थापित की गई थी कुछ समय पहले। तो उस प्रतिमा का हमें सूत्रों से पता चला है, आप फोटो देख रहे होंगे, कि जो सम्राट अशोक मौर्य महान की प्रतिमा थी उस प्रतिमा की मुंडी तोड़ करके जमीन पे फेंकी गई है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। यह एक जघन्य अपराध है, यह बहुत ही निंदनीय है कि भारत के महानतम सम्राट, जो सम्राटों के सम्राट कहे जाते हैं, उनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। अब ये कौन लोग कर रहे हैं, कौन किसका हाथ है इसके पीछे, यह अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन मैं कुछ अपना शंका प्रकट करूंगा आप लोग के सामने कि अभी हाल ही में बांग्लादेश का हाल आपने देखा है, पश्चिम बंगाल का आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले मणिपुर का भी आप लोगों ने देखा था, उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं इन सब चीजों से, और लगभग भारत में समझ लीजिए 50% पूरा भारतवासी ग्रसित हैं इन प्रकार के सिस्टम। तो लगा हमें कि ऐसा, मैं शंका जो प्रकट कर रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान ये तमाम प्रकार का एक एक किनारे हो रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी शांति दूत के द्वारा ही ये क्रिया को अंजाम दिया गया हो, ताकि जो है कि आपस में लड़े हमको भूल जाएं, हो सकता है दंगा भड़काने के लिए किया गया हो। और तो और, जबलपुर जिले में जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, इस जिले में अति पिछड़ा वर्ग जो है वो 50% उसकी जनसंख्या है, जिसमें 80% भी आता 16% यानी जब 80% 16% ले लीजिए, 50% बैकवर्ड है। ऐसे क्षेत्रों में जब सम्राट अशोक की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है, तो क्या जहां पर ये लोग नहीं रहेंगे वहां कैसे सुरक्षित रहेगी? इसके पीछे संशय ये हो रहा है कि कहीं आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे संगठन भी होते हैं, ऐसे राजनेता भी होते हैं जिसको हम कह सकते हैं छोट भैये नेता, जो है कि जब कोई मुद्दा नहीं पाते हैं तो आपस में अपना नुकसान करके दंगा छेड़ देते हैं। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा और तमाम प्रकार की महासभाएं चल रही हैं, तो इन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हाथ पे हाथ रख के ना बैठिए। यदि आपके अंदर का कोई गलती किया है तो यह भी गलती क्षमा योग्य नहीं है, उसको पकड़िए और दंडित कीजिए। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि ऐसे अपराध करने वालों को, ऐसे गलती करने वालों को कभी क्षमा ना किया जाए, इनको पकड़ करके कठोर दंड दिया जाए, ताकि इस प्रकार का गलती या इस प्रकार का अपराध कोई भी करने से एक बार क्या 100 बार सोचे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि सूत्रों से पता चला है कि कहीं आपस के ही लोग तो नहीं ये कार्य को अंजाम देकर के दंगा भड़का रहे हैं, क्योंकि जो देश में माहौल बना हुआ है उस माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम मौर्य राजवंश के व्यक्ति हैं और हम वही चंद्रगुप्त मौर्य के कुल खानदान के वंशज हैं, तो हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए हमारे राष्ट्र की रक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, हमारी मातृभूमि की रक्षा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे हमें कि सनातन पाखंड होता है, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को कि जो सनातन को पाखंड कहता है, अगर उसकी जवान को खंडित कर दिया जाए तो भी कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सनातन सदैव एक जैसा बना रहता है। सूर्य चंद्रमा धरती अपनी गति से चल रहे हैं, यही सनातन है। और इसको जो पाखंड कहता है उसकी जवान स्वतः खंडित हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौर्य राजवंश के विरुद्ध जाने वालों, चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध जाने वालों और मौर्य राजवंश के पूर्वजों के विरुद्ध जहर उगलने वालों, ध्यान रखना,
विश्व मौर्य परिषद भी भारत में ही है, कहीं दूसरे ग्रह पे नहीं। जिस दिन विश्व मौर्य परिषद की नजर में आओगे उस दिन जरूर दंडित किए जाओगे। इसके लिए अभी से आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मौर्य वंश के पूर्वजों के साथ कोई भी अनैतिक कार्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए मौर्य समाज के जितने भी संगठन चल रहे हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग ये 10-10 लोग वाली टुकड़ी बंद कीजिए, एक जन समूह निकालिए मौर्य समाज के नाम पर। कैसा समाज जिसमें किसी प्रकार की धार्मिक संघर्ष नहीं होनी चाहिए, खाली अपने समाज की रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने मातृभूमि की सुरक्षा का संकल्प होना चाहिए और अपने समाज के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी कृतज्ञता होनी चाहिए। आपका समाज है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए, वैदिक ज्ञान हम देंगे आपको, कोई चार्ज नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, आइए तो पढ़ने। तो हम बात कर रहे थे सम्राट अशोक की प्रतिमा जो खंडित कर दी गई है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी हथकंडा हमें अपनाना पड़ेगा विश्व मौर्य परिषद की तरफ से, मैं हर हथकंडा अपनाऊंगा। और जिस महासभा के द्वारा ये प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी, वो महासभा के लोग सक्रिय हैं और मैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग सक्रिय होकर के और तेजी से सक्रिय होकर के फिर से प्रतिमा स्थापित करवाने का कार्य करें और जिसने भी ये अपराध किया है उसको दंडित करवाने का कार्य करें, ताकि जो है कि दूसरा कोई ऐसा कार्य ना कर सके। साथियों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और एक दूसरे को बताएं अपने घर के मुखिया के बारे में, अपने समाज के मुखिया के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में। आपस में किसी प्रकार का कोई वैर विरोध नहीं, जिसको ना समझ में आ रहा हो आपके स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है, वो संपर्क कर सकता है, 24 घंटे फोन रिसीव होते हैं। अगर फोन नहीं रिसीव होते हैं तो व्हाट्सएप पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं, आपको जो है कि प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे। विश्व मौर्य परिषद से जुड़ना चाहते हैं तो भी यही नंबर आपका माध्यम बनेगा जुड़ने का, तो देरी किस बात की, अभी जो है कि फोन उठाइए और नंबर मिलाइए। मिलते हैं, तब तक के लिए सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।